नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ITR 5 फाइल करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस इनकम के लिए। हाँ जी दोस्तों, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए कैसे आप ITR 5 फाइल करेंगे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको डाउनलोड में आना होता है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से ITR 5 में जाएंगे और इस एक्सेल बेस यूटिलिटी को कर लेंगे डाउनलोड। ठीक है, मैंने डाउनलोड कर लिया है, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। सो दोस्तों, ये कर लिया मैंने इसको ओपन। अब यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल्स हैं जो भरना होगा। ठीक है, इसको हम प्री फिल डाटा के ज़रिए जो बेसिक डिटेल होती है पार्टनरशिप फॉर्म की वो इसको भरेंगे, जैसे नेम, पेन नंबर, एड्रेस वगैरह, ये सब ऑटोमेटिक फिल होके आ जाता है, बैंक डिटेल्स वगैरह। इसमें इम्पोर्ट प्री फिल का ऑप्शन होता है, इस पर जाके आप प्री फिल डाटा को डाउनलोड करके इसमें इम्पोर्ट करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स की साइट पे आना होगा, लॉगिन कर लेना होगा। चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। सो दोस्तों, ये मैंने कर लिया लॉगिन। उसके बाद करना क्या है, फाइल पे जाना है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और उसके बाद डाउनलोड प्रीफिल डाटा पे जाना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, जैसे करंट असेसमेंट ईयर 23-24 की फाइल कर रहे हैं, 23-24 सेलेक्ट कर लिया, डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ से हमारी ज्योशन फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको एक्सेल यूटिलिटी पे आना है, इंपोर्ट जियोशन पे आना है, जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, ये आ गई फॉर्म की बेसिक डिटेल। यहाँ पे ITR जो फाइल कर रहे हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म के कर रहे हैं। अभी उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि वेदर SSC हैज़ बीन अ यूनिट एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। नहीं, नो कर लो यहाँ से। फिर वेदर यू आर रिकॉग्नाइज एज ए स्टार्टअप बाय DPIIT। नहीं, नो कर लो, स्टार्टअप भी नहीं है हम। उसके बाद नीचे पूछता है वेदर यू आर एन FIIP या FPI। नहीं, नो। फिर नीचे आओगे SSC के रिप्रेजेंटेटिव, SSC के द्वारा रिटर्न फाइल हो रही है क्या? नहीं, नो कर देते हैं। फिर ये बोलते हैं क्या आप पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर किसी और पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर हैं? नहीं, नो कर देते हैं, किसी दूसरे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर नहीं है। क्या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को हेल्ड किया हुआ है? नहीं, नो कर देते हैं। फिर अब पूछता है क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए मेंटेन करने के लिए लायबल हो, मेंटेन करने के लिए लायबल हो? यस, यस कर देंगे इसको। फिर बोलता है क्या आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ के बीच में? नहीं, टर्नओवर जो है वो डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ से एक्सीड नहीं है टर्नओवर हमारी। ठीक है, क्या आप ऑडिट के लिए लायबल हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं? अभी बोलते हैं क्या आप ऑडिट के लिए लायबल हो, हमारी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे बैलेंस शीट, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो सेक्शन 44AD नहीं ले सकते। अगर आप इसको यस करोगे तो सेक्शन 44AD के अंदर अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं कर पाओगे, इसको नो रखोगे तभी आप डिक्लेयर कर पाओगे। तो मैं एक पार्टनरशिप फॉर्म हूँ तो मैं अपनी इनकम, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेगुलर बेसिस पे मेंटेन कर रहा हूँ और मुझे ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मेरी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अगर होती है तो उस केस में ऑडिट की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, ऑडिट के लिए लायबल हो सेक्शन 44AB के अंदर? नहीं, नो। उसके बाद ऑडिट के लिए लायबल हो सेक्शन 92E के अकॉर्डिंग? नहीं, नो। ये शीट ओके हो गया, एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। चलिए अभी वैलिडेट कर लेते हैं, ओके हो गया। अभी पार्ट ए जर्नल पे आते हैं, पार्ट ए जर्नल का 2। आपने पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कोई चेंज किया है क्या, मेंबर चेंज हुए क्या, कोई पार्टनर आया है, कोई गया या सेम ही है? तो कोई चेंज नहीं हुआ इसलिए नो कर दिया, अगर चेंज होता है तो डिटेल देनी पड़ती है। फिर दोस्तों यहाँ पे पूछता है, अगले पॉइंट में बोलता है कि पार्टनर या उसके जो मेंबर हैं उसकी डिटेल यहाँ फर्निश करनी पड़ेगी, जैसे उसका नाम, एड्रेस, ठीक है, पैन नंबर, ये सब चीज़। चलिए फर्निश कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे बिजनेस कोड देना होता है,
ठीक है, किस टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बिजनेस कोड मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग 44AD के अलावा इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जो लोग 44AD के अलावा या 44AD के अलावा या 44A के अलावा इनकम अपनी डिक्लेयर करेंगे, उनको यहाँ पे बिजनेस कोड डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पे जैसे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है, ये ले लिया, ट्रेड नेम पूछ रहा है, तो जो बिजनेस का नेम है वो लिख देंगे यहाँ। और मैं आपको दिखा दूँ, मैंने पहले से ही बैलेंस शीट बना रखा है और बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये है बिजनेस नेम, तो इस नेम को चाहे तो कॉपी कर लेंगे या फिर टाइप करके लिख भी सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं। ये लिख लिया बिजनेस नेम, कोई डिस्क्रिप्शन है एडिशनल तो वो दे सकते हैं। बाकी ये हमारी शीट ओके है, वैलिडेट करते हैं। पार्टनर की डिटेल मैंने बताया था, एटलीस्ट बोल रहे वन पार्टनर या टू पार्टनर की डिटेल देनी पड़ेगी, जहाँ पे पार्टनर का नेम एड्रेस ये सब चीज़ भरना होगा। ये पब्लिकली दिखा नहीं सकता मैं, चलिए इसको भर के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आगे आगे अभी हमें यहाँ पे बैलेंस शीट की डिटेल देनी होगी, ठीक है। और बैलेंस शीट हम लोगों ने यहाँ पे बना रखी है, देखो ये है हमारी बैलेंस शीट। सबसे पहले इसने पूछा है सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड में पार्टनर या मेंबर फंड, पार्टनर कैपिटल के बारे में पूछा है, तो दोनों पार्टनर की कैपिटल को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये बैठेगा 1943000। यहाँ पर मैं लिखूँगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 1943000, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पूछा है रिज़र्व, कैपिटल रिजर्व, इस्ट रिज़र्व, कोई और रिज़र्व नहीं हमारा। लोन एंड फंड में सिक्योर्ड लोन पूछा है, तो सिक्योर्ड लोन ये रहा, और ये लोन है फ्रॉम अदर से, कितना है 453960 का, 453960 हो गया। फिर उसके बाद पूछा है, इससे अगला है अनसिक्योर्ड लोन है, और अनसिक्योर्ड लोन को हम लोग दिखाएंगे, ये देखो अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम अदर्स जो कि 50582 का, ये मैंने पहले टाइप कर दिया था, तो 50582 है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें, अगला है अपना यहाँ पे क्रेडिटर है और एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, तो डेफर टैक्स एडवांस 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 ये आ गया, एडवांस फ्रॉम अदर्स, अदर्स में डालेंगे कितना है 6154 रुपये का है, बाकी क्रेडिटर है, क्रेडिटर की रिपोर्टिंग आगे जाएगी। अभी आ गया सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, ये सोर्स ऑफ फंड का टोटल हो गया। अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड आ गया, सबसे पहले फिक्स एसेट्स के बारे में पूछा है, तो फिक्स एसेट्स जीरो है हमारा। उसके बाद पूछा है इसने, इसके हिसाब से चलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये करंट एसेट्स का पार्ट होगा। नीचे आते हैं, ये देखो करंट एसेट्स, सबसे पहले स्टॉक पूछा है, तो मैं यहाँ पे फिनिश गुड में डाल रहा हूँ, कितना है ये है 1285176, 1285176 का हमारा ये स्टॉक बन गया। फिर इसके बाद डेटर है, और डेटर की रिपोर्टिंग ये पूछ रहा है, डेटर आउटस्टैंडिंग मोर देन 1 ईयर, तो 1 ईयर से कम का डेटर है मेरा ये, और ये 1189160 है, 1189160 का डेटर आ गया। फिर उसके बाद है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये है 519504, तो नीचे आते हैं, ये है कैश इन हैंड, कितना है कैश इन हैंड, ये है 519504, 519504 की कैश इन हैंड है, और बैलेंस विद बैंक भी है जो कि 424785 है, 424785 ये हो गया हमारा बैलेंस विद बैंक। उसके बाद आगे चलते हैं अदर, अदर में है अदर करंट एसेट्स 1619167 का, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा अदर करंट एसेट्स, ये देखो अदर करंट एसेट्स यहाँ लिखेंगे 1619167, 1619167 की अदर करंट एसेट हो गई, ठीक है। ये एडवांस टू सप्लायर है, इसके अलावा लोन एडवांस की बात करें तो एडवांस टू सप्लायर में इसको यहाँ लिख सकते हो एडवांस, या लिख सकते हो एडवांस रिकवरेबल इन कैश और इन काइंड वैल्यू टू बी रिसीव्ड,
तो इसमें डालूंगा ये एडवांस डिपॉजिट लोन एंड एडवांस टू एंड अदर्स, तो नीचे वाले में चाहो तो कर सकते हो, यहाँ अदर्स वाले में 142 925 925। ठीक है, उसके बाद करंट लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर पूछा है, तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, ये यहाँ लिखेंगे। ये आ गया मोर देन आउटस्टैंडिंग मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से कम वाला क्रेडिटर है, तो 27 26 721, 27 26 721, ये हम लोगों ने यहाँ रिपोर्ट कर दिया, तो ये आ गया। अभी यहाँ देख सकते हो, ये हो गया नेट करंट एसेट। ठीक है, और उसके बाद ये टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड कितना हो गया, 24 53 996, ऊपर जाते हैं सोर्स ऑफ फंड का टोटल 24 53 966, जो कि इसके इक्वल है। ये देखो, तो बैलेंस शीट में फ़र्क नहीं होना चाहिए हमारी, ये ओके है। अभी क्या करेंगे, इसको करेंगे वैलिडेट शीट, ओके। मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल पूछा है, सबसे पहले इसने पूछ लिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। जो ओपनिंग स्टॉक है हमारा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा। यहाँ देखो, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ओपनिंग स्टॉक ये है, और ये फिनिश गुड का स्टॉक है, तो फिनिश गुड का स्टॉक है, तो इसको नीचे दिखाएंगे, दिखाऊंगा आपको। देखो, एक क्लोजिंग स्टॉक वाले में रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस, ये क्लोजिंग स्टॉक का है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारा फिनिश गुड का पड़ा हुआ है, ना रॉ मटेरियल है ना वर्क इन प्रोसेस है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको आगे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। कोई परचेज है तो वो रिपोर्ट कर सकते हो। परचेज हमारी ये रही 583 796 की है, 583 796। इसके अलावा फ्यूल एंड गैसेस एक्सपेंसेस है, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में रिपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि 507 384 पॉइंट 23 है, तो 384 ले सकते हो, 507 384 ले लिया। ठीक है, 348 है, सॉरी 84 कह रहा हूँ मैं, यहाँ आते हैं 507 348। इसके अलावा सेल्स है, बाकी सेल्स की डिटेल, फैक्ट्री ओवरहेड ये सब है, इनडायरेक्ट वेजेस डेप्रिसिएशन जनरल एक्सपेंसेस फैक्ट्री की, बाकी सब अपना जो भी है ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं, सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स पूछा है, तो ये है सेल ऑफ गुड्स 11 74 016, 11 74 016 का है। सर्विस की कोई सेल नहीं है, कोई ऑपरेटिंग रिवेन्यू है तो वो बता सकते हो, ग्रोज प्रोफेशन से कोई ड्यूटी एंड टैक्सेस है तो वो दे सकते हो, ये भी नहीं है। नीचे आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, हाँ यहाँ फिनिश गुड क्लोजिंग स्टॉक का ये है 12 85 176, 12 85 176 क्लोजिंग स्टॉक दे दिया फिनिश गुड्स का। फिर ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड का, तो ओपनिंग स्टॉक ये है अपना, ये 738 645, 738 645। इसके बाद आ जाते हैं परचेज, नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके अलावा और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये देखते हैं ग्रोस प्रॉफिट 629 402 403, 629 403, ये इनडायरेक्ट इनकम है, जो कि PNL में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अभी कोई अदर इनकम है तो एग्रीकल्चर एनी अदर इनकम को यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, एनी अदर इनकम नेचर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो जो इनकम है एनी अदर इनकम वो है हमारी यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम,
और अमाउंट है इसका 17908, 908, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभी और एक्सपेंसेस जो है वो पूछ रहे हैं, ये टोटल क्रेडिट हो जाएगा, इतना और बढ़ जाएगा। अब इसके अलावा एक्सपेंसेस पूछा है, फ्रेट आउटवर्ड, कंजप्शन, पावर एंड फ्यूल, रेंट, रिपेयर टू मशीनरी, इस पे आता है। अब एक्सपेंसेस पे, एक्सपेंसेस भी बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले इसने पूछ लिया पावर एंड फ्यूल। तो पावर एंड फ्यूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को ले सकते हैं, जो कि ये रहा, ठीक है, जिसको जिसको आप लोगे मार्किंग करते रहना, 19551, 19551। उसके बाद रेंट, रेंट नहीं है इधर, इसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग चार्जेस, अकाउंटिंग चार्जेस एक तरह से ये प्रोफेशनल चार्जेस होता है, इसको आप प्रोफेशनल फी के अंदर भी रिपोर्ट कर सकते हो। नीचे दिखाता हूँ, देखो 32 नंबर पे प्रोफेशनल फ़ी है, और ये प्रोफेशनल फ़ी अदर को पे किया है 13,100, 13,100 प्रोफेशनल फ़ी लिख लिया, ठीक है। इसको मार्किंग कर लेते हैं, बैंक चार्जेस का ऑप्शन कहीं नहीं है, कन्वेंस एक्सपेंस ले लेते हैं। कन्वेंस का देखो ये रहा, कन्वेंस कितना है, 6,857, 6,857 कन्वेंस लिख लिया। जनरल एक्सपेंस, यहाँ पे जनरल एक्सपेंस का कोई ऑप्शन नहीं है, इसे अदर एक्सपेंस में दिखाएंगे। आईटीसी राइट ऑफ, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, पैकिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये देख सकते हैं, ये मिल सकता है। तो अगर मैं रिपेयर मेंटेनेंस की बात करूँ तो शायद सैलरी, रिपेयर टू बिल्डिंग, हाँ रिपेयर टू बिल्डिंग का ही है, और यह है अमाउंट 45,380, 45,380, इसको भी कर दिया मैंने रेड। ये राउंड ऑफ को इकट्ठा लिख सकते हो, अदर एक्सपेंस पर डालेंगे, स्टाफ वेलफेयर आ जाएगा, स्टाफ वेलफेयर का ऑप्शन है। ये नीचे आओगे सैलरी रेमोरेशंस, ये देखो ये रहा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, वर्कमैन एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, कितना अमाउंट है 1,163, इसको भी मार्क कर लेते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस ये है, फिर वाटर एक्सपेंस है। तो मैं टेलीफोन एक्सपेंसेस की बात करूं तो भाई जी इसमें नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये देखो टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है, 6,110, 6,110 टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया। बाकी वाटर एक्सपेंसेस है, ये सब अदर एक्सपेंस में डाल देंगे, ठीक है ना। नीचे आ जाते हैं, ये देखो अदर एक्सपेंस का ऑप्शन है, तो अदर एक्सपेंस के ऑप्शन में आपको लिखना पड़ेगा कितने अदर एक्सपेंस हो गए हमारे, 1, 4, 5, 6, 7 के आसपास हमें रो ऐड करनी पड़ेगी, लगभग 2 है तो 7, 5 और ऐड कर लेते हैं, टोटल 7 हो गया, ठीक है। अभी एक्सपेंस का नेचर और अमाउंट देना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो बैंक चार्जेस है, यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस, कॉपी पेस्ट मत करना नहीं तो शीट के अंदर इनवैलिड हो जाएगा शीट और प्रॉब्लम होगी। 405 रुपये का हो गया बैंक चार्जेस, ठीक है, इसे मार्किंग कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, जर्नल एक्सपेंस है, ₹61,886.96, तो 61,887 लिख सकते हो, 61,887। फिर अगला है आईटीसी राइट ऑफ, आईटीसी राइट ऑफ ये 2517 है,
फिर अगला है ऑफिस एक्सपेंसेस। छः सौ सोलह है। फिर अगला है पैकिंग एक्सपेंसेस। दस हजार दो सौ सड़सठ। फिर अगला है राउंड ऑफ ले लो इसको आप, राउंड ऑफ हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगे तो 5 रुपये 77 यानी 6 रुपये रख सकते हो। फिर इसके बाद है वाटर एक्सपेंसेस। ये है 6,000 रुपये का। ठीक है, ये हमने दे दिया। अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे, नेट प्रॉफिट बताएगा। यहाँ पे देखो, ये आ गया नेट प्रॉफिट 4,73,452 का। 4,73,452, ये दोनों ही पार्टनर में डिवाइड हो गई है नेट प्रॉफिट, और सीधा उठ के बैलेंस शीट में गया। ये देखो यहाँ पे ऐड हुआ है और ये कैपिटल का पार्ट बन गया है। ठीक है ना, कुछ एडिशन भी थे, कुछ ड्राइंग भी थे, ये दोनों ही जुड़ के कैपिटल का पार्ट बन गए हैं। ये प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट हो गया, यही मेरी इनकम बन जाएगी। इसके अलावा और कोई मेरी अदर इनकम नहीं है। पहले प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट को कर देंगे ओके वैलिडेट। अब पार्ट ए ओ आई के अंदर अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैश हो गया, क्या अकाउंटिंग सिस्टम में चेंज किया है नहीं नो, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक मेथड में कोई चेंज किया है नहीं नो, बाकी ओके है। इस शीट में और कुछ करना नहीं है, इसको भी वैलिडेट करते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन दे रही है, इसमें बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। क्वांटिटेटिव डिटेल्स के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारे लिए है नहीं, इसको भी ओके कर दो। आगे बढ़ो, हाउस प्रॉपर्टी डिटेल। हाउस प्रॉपर्टी डिटेल हमारी कोई नहीं है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम बनती है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। यहाँ से इनकम कोई नहीं बनी है। बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम बनी 4,73,452 की, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी दिखाया हुआ है। देखो जरा, 4,53,452 यही इनकम हमारी बनी है। इसके अलावा और कोई इनकम है नहीं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये आ गया, ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया और ये टोटल प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट ये आ गया चार्जेबल टू टैक्स, इसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। अभी वैलिडेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन की डिटेल पूछ रहा है, तो हमारी कोई फिक्स एसेट्स है नहीं, तो डेप्रिसिएशन वाला शेड्यूल भी ओके है, इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ो, समरी ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ये भी नहीं है हमारा, ओके कर दो। आगे बढ़ो, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ये भी नहीं है, ओके कर दो। आगे बढ़ो, कैपिटल गेन पूछ रहा है, कोई कैपिटल गेन बनी है तो उसकी डिटेल, हमारे यहाँ पे कोई कैपिटल गेन नहीं बनी है, इसके लिए उसको भी मैं ओके कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में पूछता है, ये भी नहीं है हमारी। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल 115AD नॉन रेजिडेंट के लिए, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, ओके कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है कोई फॉर्म के नाम से, वहाँ से इनकम बनी है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली बात करें, क्रिप्टो करेंसी से इनकम बनी है तो उसकी डिटेल देनी होगी, ये भी नहीं है हमारा। आगे बढ़ते हैं, OS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स से कोई इनकम बनी है तो उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। तो भाई जी जीरो कर देता हूँ, तो मेरी यहाँ पे अदर सोर्स से कोई भी इनकम नहीं है, मैं करूँगा वैलिडेट, ओके करूँगा। आगे बढ़ेंगे, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कोई है करंट ईयर का तो उसकी डिटेल, ये नहीं है हमारा। कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कोई है तो उसकी डिटेल, ओके कर दिया। अभी यहाँ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की डिटेल जाती है कि फ्यूचर ईयर में अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो ये भी नहीं है, ओके करेंगे। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन से तो उसकी डिटेल, ये भी नहीं है हमारा, ओके करेंगे।
आगे बोलता है शेड्यूल ICDS, शेड्यूल ICDS की डिटेल देनी होती है, तो ये हमारे पे भी एप्लीकेबल नहीं है। ऑडिट का केस होता है तो एप्लीकेबल होता है, ऑडिट है ही नहीं तो इसकी डिटेल देनी नहीं है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA नहीं है ये भी डिडक्शन। 80G का कोई डिडक्शन, डोनेशन वोनेशन है तो वो नहीं है ये। 80GG है ये भी नहीं है, ओके कर दो। RA डोनेशन दिया है रिसर्च एसोसिएशंस को, नहीं भाई इस तरह की डिटेल्स नहीं है हमारी। 80 के अंदर डोनेशन दिया, 80IA में या 80IB के अंदर नहीं है। 80P डिडक्शन 80P के अकॉर्डिंग को है आपका तो वो दे सकते हो, ये भी नहीं है हमारा, वैलिडेट कर लिया। इसके अलावा और कोई डिडक्शन आपका बनता है उसकी डिटेल आप दे सकते हो, तो ये भी नहीं है हमारा। AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल 115JC के अकॉर्डिंग, तो ये भी नहीं है। ये इनकम बनी और ये हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम बनी और इसके अकॉर्डिंग इस पर टैक्स बनाया जाएगा। AMTC की डिटेल कंपटीशन ऑफ टैक्स क्रेडिट 115JD के अकॉर्डिंग को है तो वो, तो ये भी नहीं है, ओके करेंगे। SI इनकम चार्जेबल टू स्पेशल रेट, स्पेशल रेट के अकॉर्डिंग कोई इनकम है चार्जेबल, नहीं स्पेशल रेट में कोई है ही नहीं, तो ये भी सिर्फ वैलिडेट करेंगे और कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। IF के अंदर कोई डिटेल, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अगर आप कोई पार्टनर है तो उसकी डिटेल नहीं है, भी नहीं है। एग्जेम्प्ट इनकम की कोई डिटेल, कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसकी डिटेल दे सकते हो, एग्जेम्प्ट इनकम की कोई डिटेल नहीं है। उसके बाद शेड्यूल PTI पास थ्रू कोई इनकम है तो उसकी डिटेल, ये भी नहीं है हमारा। शेड्यूल TPSA डिटेल ऑफ टैक्स ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट, ये भी नहीं है, ओके करेंगे। FSI डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, नहीं इस तरह की भी कोई इनकम नहीं है। आगे कर लेंगे TRFA टैक्स रिलीफ, ठीक है, और टैक्स पेड की डिटेल पूछ रहे हैं तो इस तरह की कोई डिटेल नहीं है हमारी। GST की डिटेल पूछ रहे हैं, GST नंबर लिया हुआ है तो GST नंबर लिखेंगे, फिर उसकी एनुअल वैल्यू लिखेंगे। सर दोस्तों ये GST नंबर लिख दिया और ये जो टर्नओवर है 1174016 की, 1174016 की यही सेम टर्नओवर डिक्लेयर कर दी मैंने यहाँ पे, क्योंकि सेम GST रिटर्न में फाइल करके दिखाया हुआ है। शीट ओके है, आगे बढ़ेंगे। पार्ट बी TITE यहाँ पे कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम आती है, तो टोटल इनकम तो ये बन गई, इसके अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं ये टोटल इनकम है, ये मेरी टोटल इनकम आ रही है, इसी के ऊपर टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर किसी भी टाइप में आपने होल्ड किया हुआ है बेनिफिशियल ऑनर, ठीक है, किसी एसेट्स का जो कि आउटसाइड इंडिया है बाहर, नहीं नो कर देंगे। अगर इस तरह की कोई डिटेल है इनमें से कोई तो यस करके दे सकते हो। बैंक की डिटेल हटा दियो भाई, ठीक है ना, वीडियो में से। आगे आते हैं TI, यहाँ पे टैक्स बता देगा। सबसे पहले ये आया हुआ है डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है दोस्तों। यहीं पे हमारा टैक्स बनता है और टैक्स कैलकुलेट होता है। टैक्स लाइबिलिटी अभी आया नहीं है क्योंकि जब हम कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे तब टैक्स को कैलकुलेट करेगा ये, ठीक है। TI यहाँ पे जो भी आपने टैक्स को पे किया है उसकी डिटेल आएगी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एडवांस टैक्स की डिटेल। TDS में जो भी आपका TDS कटा है या TCS कटा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे इस तरह की मेरी कोई डिटेल नहीं है, ओके कर दिया। फिर वेरिफिकेशन वाला शेड्यूल आ गया, यहाँ पे ऑथराइज पर्सन को सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे आपको लिखना होगा प्लेस, कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, ये जो भी कमी होगी बता देगा। सो दोस्तों ये हो गया है कैलकुलेट टैक्स, अभी करना क्या है, सबसे लास्ट शीट में जाएंगे TI वाले में, ये
अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, टैक्स इसने कैलकुलेट कर दिया, ये देखो, ये बना दिया टैक्स 1,42,035 का लगभग टैक्स है, और ये टैक्स नेट लाइबिलिटी है, ये हमें पे करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, ये इंटरेस्ट भी लगा रखा है, ठीक है, इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आ जाती है, नहीं पे किया तो टोटल लाइबिलिटी आ गई है। अभी पार्ट टीआई में अगर आपने पे कर दिया है तो यहाँ पे डिटेल भरनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भर लेता हूँ मैं, ताकि जो प्रोसेस आपको पूरा समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चालान की डिटेल भर दी, अभी एक बार फिर से जाएंगे और होम पे जाएंगे, ये होम पे जाने के बाद जनरल में जाके कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करोगे, टैक्स कैलकुलेट हो गया है, अभी जाना होगा पार्ट टीआई वाले पे। देखो टैक्स लाइबिलिटी जो बनी थी पहले कि हाँ पे करना पड़ेगा, वो यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट पेबल में ज़ीरो आ गया। अब हमें ज़ीरो टैक्स देना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। पेमेंट करने के बाद चालान की डिटेल डिस्क्लोज यहाँ करनी पड़ेगी, उसके बाद अभी चालान की डिटेल को डिस्क्लोज कर दोगे तो जनरेट ड्यूरेशन पे जाना होगा। यहाँ से जनरेट ड्यूरेशन पे क्लिक करके ड्यूरेशन को जनरेट कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लेगा, देख सकते हैं समरी हमारी सक्सेसफुली आ गई, बस आपको हमारी ड्यूरेशन बन चुकी है, बस आपको सेव ड्यूरेशन पे क्लिक करके ड्यूरेशन फाइल को सेव करना है। इस पर क्लिक करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, देख सकते हैं, बोलता है कि ड्यूरेशन फाइल जहाँ पे आपने सेव कर रखा है फोल्डर, वहाँ पे ड्यूरेशन फाइल को सेव कर दिया है, ओके कर दिया। ये देख सकते हैं हमारी ड्यूरेशन फाइल बना दी है इसने। अभी करना क्या है, ई फाइलिंग पोर्टल पे आएंगे, लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको आना है फाइल पे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 23-24, ऑफलाइन पे जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ओरिजिनल आईटीआर, ऑडिटेड है नहीं नो, यहाँ से आईटीआर सेलेक्ट करेंगे, ITR 5, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको जीएसएन फाइल अपलोड करनी है, देन उसके बाद रिटर्न को वेरीफाई करना है। मैं दोस्तों यहाँ पे रिटर्न को फाइल करके नहीं दिखा रहा, प्रोसेस यही होता है ITR 5 की, पार्टनरशिप बिजनेस की या पार्टनरशिप फॉर्म की ITR को फाइल करने का तरीका, ITR 5 के अंदर ही फाइल करते हैं। ऑडिटेड होती है तो बस आपको ऑडिटेड की इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल, मेंबरशिप नंबर, ये सब चीज़। उस केस में ऑडिट रिपोर्ट पहले जाती है, फिर उसके बाद ITR जाती है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।